हब से असगर अली सुमरू की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब वार्ड नंबर 20 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से उम्मीदवार मोहम्मद जान मरी ने इंसाफ प्रेस क्लब हब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हम अपने ज़िले सदर हाजी अनवर रोंझू की सरबराही में अलायंस के तहत हालिया बल्दियात इंतखाबात में मिलजुल कर काम करेंगे और अलायंस के तमाम नामजद उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए वर्क करके हर घर से बंदे निकालेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन में फाइट करती आई है, लेकिन इस बार अलायंस के मुताबिक इनके कायदीन सालेह मोहम्मद भूतानी, मोहम्मद असलम भूतानी, शहजाद सालेह भूतानी, अख्तर मेंगल, नसरुल्ला रोंझू, हाजी अनवर रोंझू, शाह मोहम्मद सिद्दीकी, मोहम्मद हसन जामोट और दीगर की सरबराही में एक होके और एक ही प्लेटफॉर्म से अलायंस के उम्मीदवार क्लीन स्वीप करेंगे और मुंतखब होकर अवामी कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे। इस मौके पर अरबाब अली मक्सी, मुजफ्फर अली मक्सी और अब्दुल गफूर मरी मौजूद थे। तो इंशाल्लाह अलायंस की तरफ से जिस तरह मुझे नामजद की गई है पीपल पार्टी की तरफ से, और इंशाल्लाह अलायंस को ही कामयाब करेंगे। वार्ड नंबर 20 से मैं नामजद उम्मीदवार हूँ मोहम्मद जान मरी। इंशाल्लाह ताला जितने भी हमारे पार्टी हमारे कायदीन शहजाद साहब, सरदार सादे मोहम्मद साहब, असलम साहब, अदा नसरुल्ला, हाजी अनवर मुंजो साहब, शाह मोहम्मद सिद्दीकी साहब, अख्तर मेंगल साहब और असर मोहम्मद हसन जामोर साहब, हम जिस तरह एक अलायंस बनी है, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश से, पीपल पार्टी की कोशिश से और जितने हमारी दोस्तों की कोशिश से, ताफुन से, इंशाल्लाह ताला हम पूरा अपनी भरपूर मेहनत से अलायंस को कामयाब करेंगे और इंशाल्लाह अपनी हर वार्ड से कामयाब करेंगे। जहाँ जहाँ तक हमारी ताबुन हुई, जहाँ जहाँ तक हमारी बिरादरी हुई, जहाँ जहाँ तक हमारे दोस्त हुए, घर घर जाके वर्क करेंगे, घर घर से बंदा निकालेंगे। इंशाल्लाह जीत अलायंस की होगी और हमेशा यहाँ से जैसे पहले भी पीपल पार्टी ने फाइट की और अब तो इलेक्शन में अलायंस की तरफ से, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे हमारा वार्ड नंबर 20 है, वहाँ से हमारे काफ़ी दोस्त हैं, जैसे करीम छुट्टा है, उसकी तवक्कु से, उसकी सरबराही से इंशाल्लाह ताला हम भरपूर लीड से जीतेंगे और हमारे मरी बरादरी की काफ़ी वोट हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हमें पड़ेंगे और बाकी बरादरियाँ हैं, बाकी दोस्त हैं, काफ़ी कुछ हैं, लेकिन मैं ख़ासतौर करीम भाई का इसीलिए नाम लेता हूँ क्योंकि वो हमारे इलाके की एक मोजज़ है, एक मोतरब है, एक अच्छी शख्सियत है, और इसीलिए मैं भूतानी की पैनल की तरफ से